दोस्तों, जब मैं 2015 में यूरोप गया था तो मैंने वहाँ पे मेट्रो में काफ़ी ट्रैवल किया था, और तब मैं सोच रहा था कि किसी दिन काश मेरे अपने शहर में मेट्रो आ जाए, और आज वो दिन आ गया है। कल ही के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। हम अब वहाँ जाने वाले हैं। पूरा आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा कि किस तरह से पूरा एक्सपीरियंस है, आप टिकट कैसे बुक कर सकते हो, और उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट, सारे फैसिलिटीज़। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, यहाँ से एक रिक्शा पकड़ूंगा और रिक्शा में हम गरवारे कॉलेज जाएंगे। वहाँ पे पार्किंग की सुविधा क्या है तो पता नहीं, इसलिए मैं अपनी कार नहीं ले रहा हूँ और रिक्शा ले रहा हूँ। और रिक्शा काफ़ी जो है कन्वीनियंट होता है जब आप बाहर जाते हो, बिकॉज आपको जहाँ भी आप उतरना चाहते हो उतर सकते हो और काम शुरू कर सकते हो। चलिए चलते हैं। हमको जाना है करवे रोड, कहेंगे चाचा आप? चलो, तो अब हम रिक्शा में बैठ गए हैं और चाचा हमको लेके जा रहे हैं करवे रोड, जहाँ पे हमारा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से करीबन 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता होगा ये। अब हम इस रोड से जा रहे हैं करवे जंक्शन की तरफ, जहाँ तक मेरा ख्याल 500 मीटर के दूरी पे होगा ये। अभी लेफ्ट में हमारा जंक्शन आएगा करवे रोड का और हम वहाँ पे उतर जाएंगे। तो ये गरवारे कॉलेज मेट्रो ताज़ा लिखा है यहाँ पे, यानी मेट्रो स्टेशन। बस यहाँ पे आप लेफ्ट में रोक दीजिए, बस 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 बस, ठीक है चाचा? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तो ये सारा मैप है जैसे कि आप देख रहे हो। अभी हम आए हैं यहाँ पे गरवारे कॉलेज पर, और यहाँ से हम ट्रेन लेके हम जाएंगे सीधा वनास तक, जो 12 किलोमीटर का ट्रैक है टोटल। और ये जो पूरा मेट्रो है जो 32 किलोमीटर का ट्रैक है, इसमें से 12 किलोमीटर का भी रेडी हुआ है, तो जब वो होगा हम उसको भी कवर करेंगे। तो ये मैप आप देख लीजिए किस तरह से बनाया है। तो अंदर जाने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेशन से उतरते हो और आपको साइकिलिंग आती है, तो आप यहाँ पे आके माई बाइक से साइकिल रेंट कर सकते हो। यहाँ पे इसका स्कैनर है, स्कैनर पे आपको उसका ऐप डाउनलोड करके स्कैन करना है और आप साइकिल लेके साइकिलिंग कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। स्टेशन के बाहर आपको बोल्ट का फ्री चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, जहाँ पे आप आपकी 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और 4-व्हीलर फ्री में चार्ज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल बाइक आने वाली है और लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी चार्जिंग कम हो रही है, तो यहाँ पे आपको फ्री में आप चार्ज कर सकते हो। तो देखिए, कल हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, और ये बैनर लगा है। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ से अभी हम एंट्री करते हुए जाएंगे और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से एंट्रेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पर नाम है। दो तरीके से आप ऊपर जा सकते हो, यहाँ पर स्टेयरकेस भी है जो काफ़ी वाइड है, काफ़ी लोग एक साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है एस्केलेटर भी है, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं जैसा आप देख रहे हो उनको प्रॉब्लम होगी स्टेयर्स चढ़ने में, तो ये एस्केलेटर लेके आराम से ऊपर जाएगी, और मैं भी एस्केलेटर की लेके ऊपर जाने वाला। आइए जाते हैं, हम अब एस्केलेटर लेके जाएंगे ऊपर, ताकि थोड़ा स्मूथ ये जा सकता हूँ ऊपर। थैंक यू सो मच यार, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इतनी एक्साइटमेंट है ना कि पहली बार मैं इंडिया में जो है मेट्रो में बैठ रहा हूँ। इसके पहले मैं इंडिया में नहीं बैठा, बिकॉज दूसरे शहर में मैं ट्रैवल नहीं कर पाया मेट्रो में, और अपने शहर में मैं मेट्रो में पहली बार बैठने वाला हूँ, और इसका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है, लोग मज़े ले रहे हैं, और क्यों ना ले, हमारे शहर का अपना पहला मेट्रो जो शुरू हुआ है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना है। मेरा हार्ट जो है काफ़ी तेज़ी से बीट कर रहा है। देखो लोग कितने खुश नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी एक्साइटमेंट है लोगों में, तो बहुत मज़ा आने वाला है हमें जाने में। तो ये जो है मैप है हमारे पूरे मेट्रो का, आप देखोगे जैसे कि मैंने कहा, हाँ भाई हम यहाँ पे हैं गरवारे कॉलेज पर, यहाँ से हम ट्रेन लेके सफ़र करते हुए जाएंगे वनास तक। तो ये 12 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, और टोटल जो है हमारे पूना का जो मेट्रो है 32 किलोमीटर का ट्रैक है जो अब रेडी हो रहा है। तो अभी जो ये रेडी हो गया, तो इसकी ओपनिंग हो गई है। अभी हम चलते आगे, हम दिखाते हैं आपको कि टिकटिंग काउंटर कहता है, आगे का कहता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ दोस्तों, चलिए देखते हैं।
ईशा को लाइन देख के थोड़ा डर लगा कि इतनी सारी लाइन यहाँ पे है, तो वो सोच रही कि मैं मेट्रो लूँ या नहीं लूँ। आप मेट्रो का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से आप सारा जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। कल रात को मैंने वही किया, मैंने टिकट बुक कर दिया ऑनलाइन, तो अभी मुझे इस लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है और बस मैं अपना ई पास या ई टिकट बना के सीधा जा सकता हूँ। तो आप लाइन स्किप कर सकते हो, तो प्लीज़ ऐप डाउनलोड कीजिए पुणे मेट्रो का, आपको गूगल प्ले स्टोर पे और iOS पे मिल जाएगा। तो मैम आपने डाउनलोड कर लिया तो आपके लिए इजी हो गया ना? फैंटास्टिक, एंजॉय द जर्नी। थैंक यू। हाँ ये हाँ पुणे मेट्रो ऑफिशियल है, बस आप इसमें सारा डिटेल डाल दो, फटक से आपको टिकट मिलेगी। एक मिनट स्कैन कर, बस स्कैन करना जाना है तो आपका जी, ये मुझे लगता है यहाँ से मनास तक है, अभी मुझे ही पता चलेगा कि कहाँ तक है। नमस्कार, मी प्रमोद काळे, आज मी गरवारे कॉलेज पुण्याच्या मेट्रो स्टेशन मध्ये आहे। आजादी का एक अमृत महोत्सव 100% इतका खरं झालेला आहे की आज आपण पुणेकर मेट्रोमधून सुखकर प्रवासाकडे निघालो आहोत। आणि आत्ताच आल्यावर असं कळलं की पुणे मेट्रोचं हे एक ॲप आहे, मोबाईल ॲप्लिकेशन, ते जर डाउनलोड केलं आणि त्यातून जर आपण रेग्युलर बुकिंग केलं तर ते खूप इझी आहे, आपल्याला खूप यूजर फ्रेंडली मोबाईल ॲप्लिकेशन आहे। पहिला दिन आहे ना, तो सब लोग को ये हो रहा है कि बस मैं इसका मजा लूं, तो जैसे कि मैंने कहा मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया और मुझे इस लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 3 टिकट काउंटर है, यहाँ पे आप घड़ी देखो, बहुत प्यारी घड़ी है। ये स्टेशन जो है ना किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि पुणे एयरपोर्ट से बेटर मुझे ये मेट्रो स्टेशन लगा है। कितनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, इतने प्यारे कलर यूज़ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपको इसका भी एक मॉडल दिखाता हूँ जो यहाँ पे उन्होंने बनाया है, वो देखते हैं कि किस तरह से पूरा लेआउट उन्होंने बनाया है। ट्रेन की आवाज़ आपको सुनाई दी होगी। तो आप जो ये पीली लाइन देख रहे हो, ये पूरा अंडरग्राउंड स्टेशन है, स्वारगेट से लेके मंडई, मंडई से लेके बुधवार पेट जो है, यहाँ से लेके सिविल और वहाँ वो एंड हो रही है शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन पर। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से प्लान किया गया है, पूरा आपको अंडरग्राउंड बहुत जल्द एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। तो आप लोग एक्साइटेड है आज मेट्रो में बैठने के लिए? इसके पहले कभी मेट्रो में बैठे आप लोग? मैं भी आज पहली बार इंडिया में बैठने वाला हूँ, बाहर देश में बैठा हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। इसके लिए हम एक ब्लॉग बना रहे ताकि लोगों को पता चले कि हमारा इतना प्यारा स्टेशन बना है और क्या क्या यहाँ पे सुविधा है। तो एंजॉय कीजिए अपना राइड। तो ये हमारे सारे पुणे के भाई है, हाँ ये हमारे और एक दोस्त आ गए यहाँ पे और ये ट्रेन का सफर इंजॉय करने लेते हैं, हम सब करने वाले हैं, तो मजा करेंगे, मजा करेंगे, आनंद करेंगे, बहुत मजा आएगा। ये रहे और एक बोल रहे हैं, ये भी थ्री टीएल टू पुणे हिप हिप। तो अंकल आप पहली बार बैठ रहे हैं यार मेट्रो में? आपका कार आज हम सभी पहली बार बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा बना है और बेसिकली ये एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है हमारा पुणे एयरपोर्ट, बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पुणे में जो मेट्रो है ये हम लोग का सपना था, बहुत जगह में मेट्रो देखा है और बाहर से मालूम ही नहीं पड़ता है जो इतना सुंदर है। म्हणजे काय सांगायचं, म्हणजे आम्हाला वाटतो आम्ही अमेरिका किंवा लंडनमध्ये आहे असं आपल्याला वाटतो, सगळं मस्त झालेलं आहे काम। आणि पुन्हा जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हा जो ट्रॅफिक जाम आहे तो सगळं बंद होतील, आणि दॅट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस मेट्रो। राजेश द्विवेदी हूँ मैं, जनरल मैनेजर ऑपरेशन पुणे मेट्रो में। पहली चीज़ तो पुणे के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ और बहुत उनकी दाद देता हूँ कि हमने जितना भी काम किया इसमें पुणे के लोगों को बहुत तकलीफ़ रही होगी, जगह जगह सड़कें हमने खोदी और जगह जगह हमने बैरिकेड लगाए, ज़रूरी था सेफ्टी को देखते हुए और काम के कंस्ट्रक्शन को देखते हुए, पर जितना लोगों ने हमें सहयोग दिया अगर वो नहीं मिल पाता तो इट वॉज़ इम्पॉसिबल कि ये काम इतने जल्दी और इतने बढ़िया तरीके से हो पाता। सब पुणे के लोगों के सहयोग से हमने पुणे मेट्रो के 2 प्रायोरिटी स्ट्रेच जो हमारे थे, वनाज से गरवारे और PCMC एरिया में PCMC से फूगेवाड़ी स्टेशन तक, वो हमने तैयार कर लिए। थोड़ा मास्क नीचे किया है ब्रीथ करने के लिए। ये है मेट्रो का स्टेशन का कंट्रोल रूम, हम हिंदी फिल्मों में देखते थे ना बड़े बड़े कंट्रोल रूम हुआ करते थे, पर ये देखो ये कितना कॉम्पैक्ट है, कितना स्लीक है और कितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया है। तो अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपको आपकी टिकट दिखानी पड़ती है
और मैंने जैसे कि बताया था पहले, मैंने ऐप में ऑलरेडी अपना टिकट बुक कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कस्टमर केयर का जो है डिपार्टमेंट है, यहाँ पे किसी भी तरह की सहायता अगर आपको लगती है तो आप यहाँ के इंक्वायरी कर सकते हो। ये चलेगा ना? तो जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सुविधा है कि आप अपनी साइकिल लेके भी आप मेट्रो में जा सकते हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक, बट नॉट ऑल द स्टेशंस आर अवेयर दैट बाइसिकल्स आर अलाउड ऑन द स्टेशन। दे स्टॉप मी एट आनंद नगर, ओके, देन दे हैड टू कंफर्म विद द अथॉरिटीज वेदर इट इज अलाउड और नॉट। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। एंड इन द कैरेज वी कैनॉट ट्रेवल विद अदर पैसेंजर्स इफ इट इज रश। ओके सो दैट इज अनदर पर्सन। इफ दे हैव सेपरेट कैरेज फॉर दिस बाइसिकल्स और साइकिल राइडर, ओके, शुड बी अ डेजिग्नेटेड प्लेस, अदरवाइज पीपल गेट हर्ट। पेडल्स एंड हैंडल्स एंड इट्स, सो आई थिंक ये नया कॉन्सेप्ट है सर, तो अभी होते होते एक 15 से 20 दिन में हो जाएगा। बट सो फार आई एम वेरी हैप्पी दैट द इनिशिएटिव इज फैंटास्टिक, द मेट्रो सर्विस इज अनबिलीवेबल। सो आई एम अबाउट टू सिट, अभी मैं बैठने वाला हूं, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। फैंटास्टिक, थैंक यू लॉट, एंजॉय। आई डू द वीडियो ब्लॉगिंग एंड आई हैव डन माय ब्लॉग आल्सो। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर मैं ग्रीन साइड में बात करूं, एनवायरनमेंट की बात करूं, तो हम लोगों ने एक भी पेड़ पूरे प्रोजेक्ट के दौरान काटा नहीं। नॉर्म जो रहता है उससे हम डबल से ज़्यादा हमने पेड़ लगाए हैं, और जितने पेड़ हमारे रास्ते के कंस्ट्रक्शन में बाधा बनी थी सबको ट्रांसप्लांट किया, और उसके एवज में एक्स्ट्रा पेड़ भी लगाए। तो आइए अभी हम जाते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म उस तरफ है, यहाँ पे आप स्टेयरकेस ले सकते हैं, यहाँ पे देखो लिफ्ट भी है, यहाँ पे लोग निकल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से सोचा गया है कि जो बुज़ुर्ग है, जिनको प्रॉब्लम है चलने का, इनके लिए लिफ्ट की सुविधा है। यहाँ पे जो फिट लोग हैं, जिनको स्टेयरकेस पसंद है, वो स्टेयरकेस ले सकते हैं। आगे एस्केलेटर भी है। तो तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो नहीं कह रहा था, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, पर आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। आइए हम जाएंगे एस्केलेटर लेके, ताकि हमें अच्छा स्मूथ वीडियो मिले। ऐसा लग रहा है कि कोई मैं फ्लाइट बोर्ड करने जा रहा हूँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। सारे लोगों तो मैं ये निवेदन करूँगा कि भाई जब आप मेट्रो का यूज़ करें तो प्लीज़ उसे साफ़ सुथरा रखिए, ट्रेन को साफ सुथरा रखिए, गंदगी ना कीजिए, गुटखा वुटका मत थूको। बिकॉज क्या है, हमारे शहर में बाहर गाँव के यानी फॉरेन के लोग भी आते, तो उन्हें जब ये देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए। हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे स्टेशन को और हमारे ट्रेन को क्लीन रखें, ताकि हमें भी यहाँ पे बार बार आने का मन करे। तो आइए फाइनली हम प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है प्लेटफॉर्म देखकर। तो आप देखोगे यहाँ पे लिफ्ट है, जो मैंने आपको नीचे बताया था, यहाँ पे लिफ्ट है, डायरेक्टली नीचे से ऊपर आएगी, और ये बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे चेयर रखे गए हैं, लोग बैठे हैं यहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। भैया ट्रेन यहाँ से आएगी क्या, वहाँ से आएगी? अच्छा, यहाँ से आएगी। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मार्किंग दी है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, बिकॉज़ ये डेंजरस लाइन है, इसके आगे ट्रेन आती है। बिकॉज ट्रेन का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, कि ऐसा ना हो कि कुछ इशू हो जाए या कुछ हादसा हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। फाइनली मेट्रो आ गई है, हमारी गाड़ी आ गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कितना खूबसूरत सा लग रहा है, इसका पूरा डिज़ाइन एकदम फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। और यहाँ पे जो लोग अंदर जो है ट्रेन का शायद ड्राइवर ही कहते हैं ना, शायद लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है करना सही नहीं है, पहले बाहर लोगों को आने दीजिए और फिर आप अंदर जाइए, बिकॉज उसी तरह से ये सारी चीज़ें होती है। फाइनली मैं ट्रेन में आ गया हूँ, और आप देखो किस तरह से एक हाउसफुल पिक्चर द हिट होती है। तो इस तरह से लोग पूरा जैम पैक्ड है स्टेशन में, और एसी बहुत पावरफुल है, काफ़ी ठंडा, मतलब इतने लोग रहने के बावजूद भी एसी ने काफ़ी अच्छा चिलिंग किया है। तो सही महीने में
ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। इसकी डिजाइनिंग, इसका पूरा अंदर का जो बिल्ड क्वालिटी, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ स्क्रीन चल रहा है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। अभी हम जो है यहाँ पे वर्तमान स्टेशन, अभी करंटली हम गरवारे स्टेशन पर है और अंतिम स्टेशन मतलब लास्ट स्टेशन जो है ओके टर्मिनल स्टेशन है ये। अब यहाँ से ट्रेन चलना शुरू होगी, यहाँ पे पूरा हमको इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो इस तरह से आता जाएगा स्क्रीन पर और हमको उससे समझेगा कि हम कहाँ है। आई थिंक ये फिल्म तब की है जब ये मेट्रो बन रहा था, उसका बांध काम हो रहा था और ये यहाँ पूरा प्ले किया जा रहा है कि कैसे मेट्रो का प्रोग्रेस हुआ है और कैसा ये मेट्रो बना है। बहुत ही बढ़िया। हाय एवरीवन, जिनीशा हियर। सो टुडे वी आर हियर फ्रॉम MIT एंड वी आर जस्ट ट्रैवलिंग फॉर द फन। वी आर नॉट रियली गोइंग एनीवेयर बट इट्स रियली एन ऑनर टू बी अ पुणेकर एंड टू सी मेट्रो सिटी रनिंग सो ब्यूटिफुली। थैंक यू। माझं नाव आहे समीक्षा राजेंद्र उमळे, मी राहते सोमवार पेठमध्ये आणि कालपासूनच हे चालू झालं आहे आणि मला खूप आनंद झाला आहे हे चालू केले म्हणून आम्ही आज इथं आलो आहे इथं प्रवास करायला मम्मी पप्पांसोबत आणि खूप आनंद झाला आम्हाला इथं येऊन। देखिए बाहर से नजारा कुछ अलग ही दिख रहा है, इसके पहले आपने पुणा को देखा नहीं होगा इस नजरिए से। कितना ब्यूटीफुल ये व्यूज है, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है ये। छोटी सी बच्ची बाहर देख रही है, कुछ अलग, मतलब क्या बात है, वाह। ट्रेन का एयर कंडीशनिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल, काफ़ी पावरफुल एयर कंडीशनिंग है। तो अभी जो स्टेशन आया है उसका नाम है नल स्टॉप। ये पहला स्टेशन है गरवारे कॉलेज के बाद से। गाड़ी अब यहाँ रुकेगी शायद 2 से 5 मिनट और यहाँ पे कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेन पे बोर्ड करेंगे और फिर ट्रेन आगे बढ़ेगी। मेरा नाम देव है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेट्रो में बैठ के। तो जब आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्लीज़ DO लगा, अगर आपका हाथ ऐसा रहेगा, आपने DO नहीं मारा है तो भाई बाजू वाले की हालत ख़राब होने वाली है। बिकॉज कई बार मेरी हालत ख़राब हो चुकी है इसके पहले, तो जब ऐसा रुके तो DO मार के ना, वरना आपके बाजू में जो खड़ा है वो अगले दिन तक आपको बेहोश मिलेगा। आप ये बात को अग्री करते हो? और अभी तो समर आ रहा है। हाँ, अभी तो समर आ रहा है तो DO वापरना ज़रूरी है, बस वही कहना चाह रहा था आपसे। नमस्कार, मी चिन्मय देशमुख, मी कसबा पेठेत राहतो आणि आज आपण बघतोय 1 ते 4 पूर्ण झोपलेलं नाही आहे तर 1 ते 4 पूर्ण एन्जॉय करतंय पुणे मेट्रो। आणि बरेचसे पुणेकर आज पूर्ण रिटर्न तिकीट काढून हाऊस म्हणून फक्त मेट्रोतनं प्रवास करत आहेत आणि सगळेच जण आम्ही मेट्रो एन्जॉय करत आहोत। तो हम चल पडे हैं नल स्टॉप से। अभी हमारा अगला स्टेशन जो है आएगा आयडियल कॉलोनी, जहाँ पे ट्रेन फिर से रुकेगी। अभी सेकेंड जर्नी है, सुबह भी आए थे, अभी घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, AC एंड न्यू मेट्रो फीलिंग्स। अगला स्टेशन आया है, इसका नाम है आइडियल कॉलोनी। उम्मीद नहीं कि कोई यहाँ पे चढ़ पाएगा बिकॉज ट्रेन एकदम हाउसफुल हिट की तरह, बॉक्स ऑफिस हिट की तरह पूरा हाउसफुल हो चुकी है। यहाँ के लोग कोई उतरने वाले नहीं और किसी को चढ़ने मिलने वाला नहीं है। ये सारा एंड टू एंड मैप नज़र आ रहा है, रामवाड़ी से लेके वनास तक ये सारे स्टेशन है। पर इसके पहले की जो स्टेशन है, हम बैठे हैं गरवारे कॉलेज से जो आप यहाँ पे देख रहे हो और हम राइट की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो बाकी जो है स्टेशन जब शुरू होंगे तो आपको पूरा एंड टू एंड राइड मिलेगा ट्रेन का। नमस्कार, मी वरुण पालकर, मी पुण्यातच राहतो आणि एक पुणेकर म्हणून अतिशय अभिमान आहे की मेट्रो सुरू झाली आहे। 4 वर्षापूर्वी मेट्रोचा एक डब्बा छत्रपती संभाजी उद्यानामध्ये बसवलेला होता, त्यात लोकं बसायची, फोटो काढायची। आज प्रत्यक्ष मेट्रो इथे चालती आहे, पळती आहे आणि लोकं त्याच्यामध्ये उभं राहून बाहेरचा व्हिडिओ काढत आहेत, आतमध्ये व्हिडिओ काढत आहेत आणि फोटो काढत आहेत। मेट्रोला खूप खूप शुभेच्छा आणि केंद्र सरकारचे खूप खूप धन्यवाद। ये हम ट्रेन के राइट तरफ से देख रहे हैं, कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। पुणे इससे पहले कभी हमने इस तरह से देखा नहीं है।
मतलब पहले मेट्रो ही नहीं थे तो हम कैसे देखेंगे, मगर आज मैं सरस्वती ओझा, ये पुणे मेट्रो आज जो शुरू हुई है कल से, बहुत बहुत आनंद हो रहा है और हमारा पुणे प्रगति पथ पर है, जरूर ऐसे आगे प्रगति रहेगी और यहाँ से पूरे पुणे में इसका जाल फैलाना चाहिए और हम जैसे यातायात यहाँ से सुविधाजनक हो जाए, यही हम कामना करते हैं। अब जो स्टेशन आया है ये फाइनल स्टेशन है वनाज, अब यहाँ हम सब उतरेंगे। आप देख रहे हो लोग कितने अच्छे से यहाँ पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन आने का। ये फाइनल स्टेशन है गरवारे कॉलेज से वनास करके। अब हम सब यहाँ पे उतरने वाले हैं, मैं भी उतर रहा हूँ। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीबन 10 कंपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं ट्रेन के। ये फाइनल स्टेशन जहाँ पे हम रुके हैं गरवारे पे हम बैठे थे और अब हम यहाँ पे वनास स्टेशन पे उतरे हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ट्रेन का, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एल्यूमिनियम कोचेस हम ला रहे हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे लाइटेस्ट मेट्रो कोच होंगे। और बहुत खुशी की बात है कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडिया में ही भारतीय कंपनी द्वारा बनाए जाएंगे। अब हम बनास से हमें जाना है फिर से गरवारे, तो एस्केलेटर लेके नीचे उतरते हैं, स्टेशन के उस तरफ जाना है हमें, गाड़ी फिर से यहाँ से इस तरफ जाने वाली है। अभी भी काफ़ी सारा काम चल रहा है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी ट्रेन में कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है ट्रेन और आपका लोगों में एक्साइटमेंट बहुत है, तो आज सारे लोग भर भर के आ रहे हैं। थोड़ा सा और वाइड होता तो मज़ा आता, मगर डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आई थिंक एक बार थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा इतनी गर्दी नहीं होगी तो शायद से स्पेस ज़्यादा मिलेगा आपको। आइए, हमें प्लेटफॉर्म की उस तरफ जाना है, यहाँ पे शायद फिर से टिकट को स्कैन करना पड़ेगा हमें, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे अभी भी काम काफ़ी ज़्यादा बाकी है मगर जल्द से जल्द ये हो जाएगा। सर हमको अभी गरवारे कॉलेज जाना है तो हमको किस तरह से वो एस्केलेटर लेना है क्या? अच्छा ये एग्जिट गेट है, अगर यहाँ पे हमको बाहर जाना है स्टेशन के तो ये एग्जिट गेट है। जैसे अगर आपको वनाल स्टेशन पे उतर के बाहर जाना है इस एरिया में एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे एग्जिट करके बाहर निकल सकते हो, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हमें जाना है गरवारे। फिर से हमारी ट्रेन इस साइड होगी तो फिर से हम एस्केलेटर लेते हुए ऊपर जा रहे हैं। एक और बार बताना चाहूँगा कि ट्रेन थोड़ा स्लो चल रही है, हर स्टेशन पे 3 मिनट में रुक जाती है, तो जब पूरा सफ़र जो हमने तय किया हमें करीबन लग गए 20 से 25 मिनट जो 12 किलोमीटर के लिए बहुत ही कम है। हो सकता है आगे जाके थोड़ा इम्प्रूवाइज हो जाएगा टाइमिंग, बिकॉज ये नया नया है सारा सिस्टम, तो देखते हैं आप। ये छोटा बच्चा है अपने दादाजी के साथ बैठा है, ट्रेन में जाने वाला है। यहाँ पे बोर्ड पे ये लिखा है कि अगले 2 मिनट में गाड़ी आने वाली है और अगली गाड़ी जो है आधे घंटे पर आएगी। इसका मतलब हर आधे घंटे में आपको यहाँ पे ट्रेन मिलेगी। बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट द मेट्रो विल कम्प्लीट इन 5 years एंड आई वॉज वेटिंग फॉर मेट्रो सिंस 2006 व्हेन आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड एंड एट दैट टाइम ओनली पीपल यूज टू गो टू फॉरिन कंट्रीज टू सिट इन मेट्रो। But I am very happy that the government completed this metro in record 5 years. मेरा नाम सुभाष शाह,
हम सब सारस बाग ग्रुप के हमारे मेंबर आए हैं आज। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लगा इधर मेट्रो में, 30 रुपए में रिटर्न जा रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है हमारा। सारस बाग ग्रुप हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, और जल्दी के जल्दी पूरा पुणे में जल्दी पुणे के अंदर चालू हो जाए, ऐसी शुभकामना हम सभी की ओर से करते हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर श्वेता, मी सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये काम करते। सह्याद्री हॉस्पिटलचे दोन्ही स्टॉप असल्यामुळे आमच्यासारखे जे वर्किंग वुमन आहेत त्यांना मेट्रोचा खूपच फायदा होईल। गव्हर्नमेंटचे खूप खूप आभार, धन्यवाद। तो ये हम फाइनली गरवारे स्टेशन पे फिर से एक पूरा राउंड मार के आ गए। मनार स्टेशन में गए थे और वहाँ से अभी हम फिर से गरवारे स्टेशन में आ गए थे, पूरा राउंड हमारा हो चुका है। तो हम फिर से वापस आ गए हैं गरवारे कॉलेज के स्टेशन के मेन स्टेशन पर। गरवारे से वनाज से फिर से गरवारे आए हैं हम। अब हम एग्जिट लेंगे स्टेशन से। तो एग्जिट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस तरह मैंने अपना टिकट बुक किया था वो टिकट मुझे यहाँ पे स्कैन करना होगा और स्कैन करने के बाद ही हम जा सकते हैं। और आपका टिकट स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनसे इससे पता चलेगा लोगों को, यानी स्टेशन के कंट्रोल रूम को, कि इतने लोग आए इतने लोग गए। बिना टिकट स्कैन करके मत निकलो, बिकॉज वो सही तरीका नहीं है। जो रूल है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, तभी तो ये सिस्टम ठीक से चलेगा। आइए हम अभी एग्जिट करते हैं, देखते हैं इसका एग्जिट किस तरह से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे पुणे वासी को इसके बारे में बताइए, बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि अभी तक ये चालू हुआ है। और शुरुआत तक किस तरह से टिकट बुक करना है, किस तरह से इसका सफ़र होता है और किस तरह से ये पूरा ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोपहर के 2:45 बज गए और हमने सारा कवर कर लिया। अभी हम घर जाएंगे, जहाँ से हम आए थे वहीं से हम एग्जिट करेंगे। आइए, पहले हमने एस्केलेटर लिया था, अब हम सीढ़ी का उपयोग करेंगे, यानी इस्तेमाल करेंगे।